गुरु महाराज की जय। समस्त संतन की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शिव महिमना स्तोत्र के प्रारंभिक श्लोकों पर विचार चल रहा था। निर्गुण निराकार परमात्मा को किस प्रकार ध्यान का विषय बना सके, उसी दृष्टि से इस स्तोत्रों की रचना हुई है। पुष्पदंत आचार्य ने कहा कि मैं आपके स्तोत्र करने के योग्य नहीं हूं, मेरे स्तोत्र में दोष हो सकता है, क्योंकि जो वाणी मन से अतीत तत्व है उसी को मैं स्तुति कर रहा हूं। और ये है भी ऐसा ही है, क्योंकि ब्रह्मादि देव भी भगवान के पूर्णतः स्तुति नहीं कर सकते, शब्दों के द्वारा बखान नहीं हो सकता है, भाव के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, भाव हमेशा पूर्ण होता है और शब्द अपूर्ण होते हैं। इस भाव में प्रथम श्लोक का अर्थ हमने देखा, अब उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सगुण साकार भगवान की स्तुति हो सकती है, तो निर्गुण निराकार को, परमात्मा को, परब्रह्म को आकार देकर के पूजा के विधान को पूर्ण करने के लिए आकार देते हैं। अब आकार होने के बाद में गुणों का आदान भी हो सकता है, अनेकों गुण हो सकते हैं, सहस्रों गुण हो सकते हैं, इसलिए सहस्र नाम भी बन सकता है। जिसका कोई नाम नहीं है उसी के लिए हम सहस्र नाम कथन करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है उसी को मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। तो कभी कभी लगता है ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए हमने कहा था कि ये भाव प्रकट करने के लिए आकार की जरूरत है, शब्दों की जरूरत है। भगवान को पूजना है तो सर्वत्र व्यापक निराकार भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? सबके मन में वो भाव आ नहीं सकता है, इसलिए एक आलंबन लेकर के, उस आलंबन के माध्यम से पूजा अर्चना हम करते हैं और उसका फल होता है, और फल तो अंत में ब्रह्म तक पहुंचाने वाला होता है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला होता है। इसलिए जिस स्तर पर भक्ति की आवश्यकता है, जिस स्तर पर पूजा पाठ की आवश्यकता है, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, इन सब की आवश्यकता है, उसको ठीक समझना चाहिए। एक रूप में भगवान का पूजन हो सकता है तो वो सबसे उत्तम रूप वो शिवजी के लिए शिवलिंग का आकार है। तो शिवलिंग के आकार में आकार भी है और पूजा के लिए आलंबन भी बनता है और वो निराकार भी है। कि निराकार का वो चिन्ह है, प्रतिच्छाया है। इसी भाव में दूसरे श्लोक पुष्पदंत आचार्य कहते हैं, अतीत पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो
रदत्वावृत्यायं चकिदमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तोदव्यकधिविधगुणकस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति नमनः कस्य न वचः। अतीत पंथानं तवच महिमा वाङ्मनस्योः। आपकी महिमा वाणी और मन से अतीत मार्ग वाला है। अतीतः पंथानं, पंथा यानी मार्ग है, वाणी के द्वारा उस मार्ग को जाना नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे पंथा आपकी है। तो वांग मनसयोर महिमा अतीतः पंथा, और इसलिए वेद भी अदद्व्यावृत्या अभिदत्ते, वेद भी भगवान के बारे में कहते समय स्वरूप का वर्णन हो तो वहां अतत्व्यावृत्ति से कहते हैं, यानी यह नहीं यह नहीं यह नहीं ऐसा नेदि नेदि के द्वारा कथन करते हैं। यह नहीं बोलने से जो भी आकार से आपके मन में भाव आता है उस भाव आकार का निराकरण करते हैं कि आप वहां फंस न जाए। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवत्चयत, ऐसे ऐसे वर्णन होता है। नेति नेति आत्मा शीर्यो नहीं शीर्यते, नेति कहें तो यह नहीं ऐसा वर्णन होता है। तो श्रुति भी जब ऐसा ही कहती है तो आदत व्यावृत्या यम श्रुतिरपि चकितम अभिदत्ते, आश्चर्य है, कुछ तो वर्णन तो करना है, वस्तु स्वरूप का वर्णन करना है। वस्तु स्वरूप का वर्णन करने के दो विधा है, दो प्रकार है। एक तो आप वस्तु का नाम बोलिए, रूप बोलिए, रंग बोलिए, क्रिया बोलिए, आकार लेकर के वर्णन करिए तो उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और दूसरे प्रकार है उस वस्तु को छोड़ करके बाकी सबका निराकरण करें। जैसा अभी आपके सामने बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, किसी का पहचान कराना चाहते हैं, आपके प्रिय का पहचान कराना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे को अलग करके कह सकते हैं, यह नहीं, ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति नहीं, ऐसा अंतिम में जाकर वो सही व्यक्ति का पहचान हो जाता है, क्योंकि उसका नाम आप नहीं जानते। नाम पता नहीं कौन क्या नाम है, व्यक्ति को पहचानना होगा। ऐसा ही आत्मा से इधर की व्यावृत्ति करने पर, अनात्मा की व्यावृत्ति करने पर, शरीर मन बुद्धि इन सब के गुण दोषों की व्यावृत्ति करने पर जो शेष रहता है वही हमारा स्वरूप होता है, वही आत्मा होती है। बाह्य जगत में है तो पंचभूतों के निर्मित पांच भौतिक जितने भी वस्तु हैं उन सब की व्यावृत्ति करते हैं। व्यावृत्ति करने के बाद में एक अजय्य तत्व, अपरिवर्तित तत्व जो रह जाता है उसी को आत्म रूप से पहचानते हैं। आप अपने स्वरूप में इसका चिंतन करते हैं और बाह्य जगत में इस प्रकार व्याप्त उसका ज्ञान होता है। तो शरीर आदि हमारा स्वरूप नहीं है, ये जब ज्ञान होता है तो उस समय बाह्य परमात्मा के जो सर्वव्यापक रूप है उसका भी ज्ञान होता है। यही एक उत्तम प्रकार है जो उपनिषद में
ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त किया है। अतद्व्यावृत्ति तद इधर को हटा देना, तो अतद्व्यावृत्या यम, जिस भगवान के तत्व को, जिस महिमा को अतद्व्यावृत्ति के द्वारा चकितम अभिदत्ते श्रुतिर। अब ऐसे तत्व है आपका सकस्य स्तोतव्यः, अब ऐसे तत्व को कौन स्तुति कर सकता है, क्योंकि कोई शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, शब्द प्रयोग करने पर उसमें नेधि लग जाती है और शब्द को हटाना पड़ता है। अब श्रुति स्वयं शब्द प्रयोग नहीं कर पा रही है, श्रुति के पास ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको कहने पर वो ज्ञान हो जाए। ये जो है ना, ये जो ब्रह्म शब्द है, आप कहेंगे ब्रह्म शब्द है, आत्मा शब्द है, ये सब शब्द तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। ये ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता है। ब्रह्म शब्द इतना ही कहता है कि बहुत व्यापक, अत्यंत व्यापक कोई तत्व है, इतना कहता है। बृहत वृद्धो व्याप्ति अर्थ में बृहत्वाद ब्रह्मा, बृहत्तमत्वाद ब्रह्मा, सबसे व्याप्त होगा, सबसे व्यापक जो होगा वो ब्रह्म तत्व है, ये इस शब्द का अर्थ होता है। अब उसको आप आनंद शब्द से भी कह सकते हैं, आनंद कहे तो सबसे व्याप्त होता है, और उसी को छांदोग्य उपनिषद भूमा शब्द से कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म शब्द के अर्थ में भूमा शब्द का प्रयोग है। सवाई भूमा, कोई सबसे व्यापक है, तो ये सबसे व्यापक कहने से, सबके अंतर्यामी कहने से ये सब ब्रह्म है ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो इसका एक गुण है, एक स्वभाव है। इसी प्रकार आत्म शब्द का हम प्रयोग करते हैं, आत्म शब्द के द्वारा भी लगता है प्रतिपादन हो जाता है, ऐसा लगता है, किंतु आत्मा का पहले पहचान हो तब आत्मा क्या है जानेंगे। आत्म शब्द आत्मा में नहीं रहता है, हम आत्मा शब्द से जिसको जानते हैं, किसको जानते हैं आत्म शब्द से, आत्म शब्द से बहुत कुछ जानते हैं, हम शरीर को भी कभी आत्मा मान लेते हैं, मन को भी आत्मा मान लेते हैं, बुद्धि को भी आत्मा मान लेते हैं, और सबसे ज्यादा अहंकार को, अभिमान को आत्मा मान लेते हैं। अभिमान ही आपके आत्मा है कि मैं कह रहा हूं मुझे ये चाहिए, तो सब में जो मैं लगाते हैं ये तो अपना अभिमान ही है। और आपको कोई निंदा करता है, कोई चोट पहुंचाता है तो अभिमान को पहुंचता है, और व्यक्ति बड़े रुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार अभिमान तक आत्मा शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये सब आत्मा है क्या? नहीं है। क्यों? कारण यह है कि जब आप इन सब के साथ संबंध करते हैं, शरीर के साथ संबंध करते हैं, जागृत अवस्था में सब कार्य होता है ऐसा दिखता है, लेकिन ये शरीर 8-10 घंटे के बाद जब सो जाता है, इस शरीर का कोई पता नहीं। ये शरीर यदि आत्मा है तो सो जाने के बाद भी वो इसे काम करना चाहिए था, सो जाने के बाद ये शरीर नहीं होता है, वहां स्वप्न में दूसरा शरीर आ जाता है, और कोई शरीर से वहां स्वप्न देखते, क्योंकि ये शरीर तो यहां सो रहा है, वो तो आपके साथ नहीं आया, वो तो बिस्तर पे है, आप स्वप्न में इधर उधर यात्रा कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, तो ये शरीर तो सो रहा है, ये तो गाड़ी पकड़ के आपके साथ आया तो है नहीं, वहां कोई और शरीर आपको मिल गया है ये मानना पड़ेगा, और क्या रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, और वहां आत्मा कर देते, और फिर वो शरीर को छोड़ करके फिर इस शरीर में आ जाता।
इसीलिए इन शब्दों में जो प्रयोग करते हैं ये सब आत्मा नहीं है। और जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, वहाँ देखिए, वहाँ तो आपका स्थूल शरीर भी नहीं है, और स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर था, कुछ कुछ दिख रहा था, वहाँ कुछ भोग सुख कुछ हो रहा था, वो भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, और वहाँ अहंकार भी नहीं है, अभिमान भी नहीं। तो अभिमान के साथ भी आत्म शब्द का प्रयोग गलत है, क्यों वहां वो नहीं रहता, क्योंकि उड़ने के बाद में हम ये कहते हैं वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, बॉस बढ़िया निद्रा आ गई। तो अभी वहां अभिमान रहता होता तो निद्रा आती क्या है? नहीं आती है, अभिमान है। तो मैं सो रहा हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति सो रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरे पास इतने धन है, इतनी संपत्ति है, ये सारे याद करके अभिमान करके सो सकते हैं? कोई नहीं सो सकता, उनको छोड़ना पड़ता है। जब छूट जाता है तब नींद आती है। इसका मतलब अभिमान भी एक बड़ा भार है, अभिमान भी आत्मा नहीं, और आत्मा को कभी आप छोड़ नहीं सकते, क्यों? अब जो निद्रा अवस्था में भी आप स्वयं सोया है तो वहां आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए श्रुति कहती है कि आत्मा का प्रतिपादन, भगवान का स्वरूप का प्रतिपादन शब्दों से नहीं हो सकता, वो शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद होगा। इसीलिए कहा कि इस प्रकार भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। अब देखिए यहाँ शिवजी का नाम लेके वर्णन कर रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं? वो परमात्मा का ही वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही शास्त्रों के प्रकार ऐसे हैं कि शब्द आप देखेंगे भाव अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन भाव देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे तो वो परमात्मा में पहुंच जाता है। सभी को, सभी के साथ परमात्मा का संबंध बनाया हुआ है। इसीलिए सकस्य स्तोतव्यः, ऐसे तत्व को कौन स्तुति कर सकता है? अब मैं नहीं कर सकता हूं, कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा पुष्पदंत आचार्य का। किंतु उसी तत्व को कदिविध गुण कस्य विषयः, यदि उसी तत्व को कुछ गुण लगा करके, गुणों का आदान करके हम मिला देते हैं, फिर आकार दे देते हैं, तो सुंदर स्तुति हो सकती, बहुत बढ़िया स्तुति कर सकते। इसलिए कदिविध गुण कस्य विषय, किस प्रकार का गुण, कैसे कैसे गुणों को लगा करके हम स्तुति कर सकते हैं? तो एक तरफ स्तुति होना संभव नहीं है और दूसरे तरफ स्तुति हो सकती है, ये भेद है सगुण और निर्गुण में। कभी भी ये न समझिए कि निर्गुण बोले तो ऊंची स्थिति है और सगुण बोले तो नीची स्थिति है, ऐसा नहीं है। ये लोगों ने कल्पना की है इसे। अब ये अलग अलग स्तर है। अब आकार के रूप में भी वही तत्व है, आकार नहीं रहने पर भी वही तत्व है, ऐसा यदि हम स्वीकार कर सकते सभी, तभी सच्चाई समझ में आती। सोना आभूषण के रूप में भी सोना ही तो है, सुवर्णत्व उसमें नष्ट नहीं होता। आकार दिखने से क्या होता है, वो सुवर्ण तो सुवर्ण है, और जब उसके आभूषण आदि आकार नहीं है, हार नहीं, कंगन नहीं, तो उस समय भी वो सोना ही है। मृत्तिका घट आदि के रूप में बनने के पहले भी मृत्तिका ही है, उस तत्व में कोई अंदर नहीं। अब घट आदि आकार बना तो भी वही है, आकार बना तो आपको कुछ प्रयोजन आता है, घड़ा घड़ बन गया, कुंभ बन गया, तो उसमें पानी रख सकते हैं, और भी कुछ प्रयोग हो सकता है। ऐसा ही यहाँ निराकार और निर्गुण, सगुण साकार में वेदांत का ये संबंध है। अब धीरे धीरे आप ध्यान करते जाएंगे, विचार करते जाएंगे, तो उसका ज्ञान हो सकता है। ये कहते हैं कस्य विषय, सबका विषय बन जाता है। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः, जब इस प्रकार अर्वाचीन पद यानी सगुण पद बन जाता है, तो
तो किसका मन नहीं लगता। कल हमने बताया था उसमें एक भावात्मक संबंध हो सकता है, सबका मन लग जाता है। वैसे भी ध्यान करने के लिए आपको आकार चाहिए, कोई विषय चाहिए, विषय के बिना आप ध्यान नहीं कर सकते। मन को एकाग्र करने के लिए कोई आलंबन चाहिए, इसीलिए सगुण रूप में भगवान अवतरित होने पर कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में अवतरित होने पर आपके मन उसमें लग जाते हैं और बाद में वो निराकार को प्राप्त भी कर लेंगे आप। इसलिए कहा पदे तो अरुवाची ने पतदी न मनहा कस्य न वचहा। किसकी वाणी काम नहीं कर सकती, कोई भी स्तुति कर सकता। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संतों ने स्तुति की जो संस्कृत भी नहीं जानते हैं, लोक भाषा भी नहीं जानते हैं, ऐसे संतों ने सुंदर स्तुतियां की अपने बोलचाल की भाषा में स्तुति करते हैं। क्योंकि जब भगवान का दर्शन होता है तो कवित्व और ज्ञान ये सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए कोई पांडित्य की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पंडितों को तो सम्मान देते हैं, विद्यावान पंडित हो विद्वान हो उनको सम्मान देते हैं, किंतु जो ज्ञानी हो जाते हैं, भगवत दर्शन जिनका हो जाते हैं, वो पंडित हो ना हो तो भी उनको पूर्ण सम्मान दिया जाता है और सारे पंडित उनके पैर पड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान को हम परिपूर्ण ज्ञान मानते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त किया हुआ जैसा होता है। इसीलिए ये दूसरे श्लोक में भी पुष्पदंत आचार्य ने निराकार को लेकर के साकार बनाने के जो प्रकार है, क्यों बनाया जाता है, इस विषय में कहा। अब तीसरे श्लोक में गुणादीत का वर्णन और अपनी वाणी, गुणादीत का वर्णन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, गुण लगा करके गुणादीत का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कैसे हो रहा तो ये किसके लिए कर रहे हैं, कहते हैं ये वाणी को, मेरी वाणी को पवित्र करने के। वाणी को पवित्र करने का अर्थ है मन को पवित्र करना। मन को पवित्र करने का क्या अर्थ है, मन को पवित्र करने का अर्थ है ध्यान लगाना। जब मन पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, उसमें भगवत दर्शन होता है। कर्म के द्वारा हम शरीर को पवित्र करते हैं, शरीर की स्थिति बना देते हैं और उसके बाद मन को एकाग्र करते हैं। मन एकाग्र हो गया, शांत हो गया, उसमें भगवत दर्शन होता है। तो पुष्पदंत आचार्य कहते हैं कि हम इसलिए यह स्तुति कर रहे हैं, यद्यपि निराकार स्तुति का कोई अर्थ नहीं हो नहीं सकता, फिर भी हम अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए यह स्तुति हम करते हैं, ऐसा तीसरे श्लोक में कहा जाता। अब ये श्लोक देखिए, हमने पहले कहा था इसमें बहुत सारे श्लोक पुराणों के आधार पर बनाया हुआ है, इसके सारे रेफरेंस पुराण में मिलते हैं, हमने कुछ खोज किया है। ये जो श्लोक है तीसरा श्लोक, अब दो श्लोक में अपने स्तुति के विषय में बताया था इंट्रोडक्शन जैसा, ये तीसरे श्लोक शिव पुराण के ज्ञान संहिता, शिव पुराण के ज्ञान संहिता में तीसरे अध्याय के आधार पर है। वहाँ शब्दमय शिव का वर्णन है, शिव पुराण में शिव जी का वर्णन तो है, उसमें अलग अलग संहिताएं हैं, उसमें ज्ञान संहिता में तीसरे अध्याय में शिवमय शब्दमय शिव का वर्णन है, उसको लेकर के ये बनाया हुआ है श्लोक। मदुस्पेदावाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागभिसुरगुरोर्विस्मयपदम्
ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धेर्व्यवसिता। हे पुरमथना, पुरमथन ये संबोधन है। ऐसा होता है कि श्लोकों में सभी श्लोक में संबोधन नहीं मिलेंगे, तो पूर्व पूर्व श्लोक में जो संबोधन शब्द आए हैं उनको अनुवृत्ति करके दूसरे श्लोक में जोड़ना होता है, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो पहले श्लोक में हरा ऐसा संबोधन आया, अब इस श्लोक में पुरमथना ये संबोधन आ। तो हे हरा, हे पुरमथना। पुर का अर्थ होता है नगर, पुर को मथन करने वाला, नष्ट करने वाला, संहार करने वाला, यानी सृष्टि को संहार करने वाले हे भगवान, ऐसा एक अर्थ है। दूसरा पुर का अर्थ है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती है, इन तीनों अवस्थाओं को नाश करने वाला, तो तीनों अवस्थाओं से परे ये भगवान का स्वरूप है। और दूसरा पुरु होता है ये स्थूल शरीर और मन आदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अज्ञान रूप कारण शरीर, तो इन तीनों से भी अतीत है। तो पुरत्रयातीत ऐसा भगवान का स्वरूप है, तुरीय रूप भगवान का स्वरूप है, ऐसे संबोधन करते हैं हे पुरमथना। और दूसरा संबोधन भी इसमें है, हे ब्रह्मन, सर्वव्यापक स्वरूप में हे ब्रह्मन ऐसा संबोधन किया। तो आपकी जो वाणी है मधुस्पीदा वाचः परम अमृतम निर्मितवः, माधुर्य से युक्त, अर्थ से युक्त, तात्पर्य से भरपूर और सारे सृष्टि के सार रूप में जो वेदों का निर्माण किया है, परम अमृतम, वेद का वचन परम अमृत है, परम प्रमाण है। वेद नित्य है, इसलिए वेद में सृष्टि का कोई दोष नहीं आता। जैसे कहते हैं लोग कि कलयुग की ये महिमा है, कलयुग में ऐसा होता है, ऐसे कहते हैं लोग। सब जगह असत्य फैला हुआ है, सब मिथ्या आचरण करते हैं, गोलमाल करते हैं। पूछने पर कहते हैं ये कलयुग की महिमा है, कलयुग में ऐसे होता है, झूठ बोलते हैं, झूठ करते हैं, चोरी करते हैं, ये कलयुग की महिमा है। अरे भाई, ये कलयुग को किसने बनाया? कलयुग कहाँ रहता है? कौन बनाता है कलयुग? ये कलयुग क्या है? कौन सा किसको कलयुग कहा जा रहा है? कलयुग कोई भूत है क्या? कलयुग तो समय है, ऐसा आप कह सकते हैं, कलयुग समय है। और समय क्या होता है? किसको समय कहते हैं? अब ये बोलेंगे 12 घंटा 24 घंटा जो होता है इसी को समय बोलते हैं। तो ये 12 घंटे 24 घंटे क्या होते हैं? ये घड़ी घूमना होता है क्या? ये घड़ी घूमने को 12 घंटे कहते हैं, 24 घंटे कहते हैं? घड़ी घूमने को नहीं कहते। तो इसका मतलब सारी घड़ी बंद हो गई तो समय बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये घड़ी घूमना समय नहीं है। समय क्या है कि सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त, चंद्र का उदय, चंद्र का अस्त, 15 तिथियां, 30 तिथियां और सूर्य के महीने और दक्षिणायन उत्तरायण और संवत्सर, 6 ऋतुएं, ये सब समय के मानदंड है।
ये सब समय नहीं है, ये समय के मानदंड है, इनको लेकर के हम समय के हिसाब करते हैं। सूर्य के उदय को उदय से लेकर अस्त तक हम दिन कहते हैं, अस्त से लेकर के पुनः उदय तक रात कहते हैं, तो सूर्य को लेकर के वो होता है। अब कहें कि सूर्य सत्य युग में जो सूर्य था, जो उदय हो रहा था अस्त हो रहा था, त्रेता युग में भी सूर्य था उदय हो रहा था अस्त हो रहा था, द्वापर में भी सूर्य का उदय हुआ अस्त हुआ, हमें मालूम होता है महाभारत आदि में वहां भी सूर्य का उदय अस्त होता था, चंद्र का उदय भी अस्त होता था, ऐसे ही तो कलयुग में भी उदय हो रहा अस्त हो रहा है। अब सूर्य का उदयास्तमय में चंद्र का उदयास्तमय में कोई फर्क है क्या? फर्क मान सकते हैं? कोई ज्योतिषी नहीं मानता है, कोई एस्ट्रोनॉमी जानने वाला नहीं मानता है कि सूर्य का उदय अस्त संवत्सर महीने दिन रात सब बराबर जैसा पहले चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं। फर्क है तो सिद्ध करके दिखाइए, फर्क है क्या? अब फर्क है तो वो सौर युद्ध में जैसे चक्र होता है उस हिसाब से ग्रहों की गति होती है, ग्रहों की गति के अनुसार कुछ स्थान बदलते हैं, वो तो हमारे से कोई संबंध नहीं, वो ऊपर चलता रहता है, उसके अनुसार ज्योतिषी लोग हिसाब करते हैं, नक्षत्र आदियों को देकर के स्थान निश्चय करते हैं, ग्रहों को देकर के स्थान निश्चय करते हैं, ज्योतिष का शास्त्र ऐसा चलता है। लेकिन इसका इसमें कलयुग का कोई संबंध नहीं। फिर कलयुग का संबंध कहाँ है? कलयुग का संबंध कोई पेड़ पौधे में नहीं दिखेगा, भूमि में नहीं दिखेगा, नदी में नहीं दिखेगा, हवा में नहीं दिखेगा, जल में नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा, आकाश में भी नहीं दिखता। फिर कहाँ दिखता है? अब समझ में आ गया होगा ना, कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? मनुष्य में दिखता है, मनुष्य के खोपड़ी में दिखता है। इसलिए कहना पड़ेगा कि ये कलयुग को बनाने वाले चलाने वाले कौन है? ये मनुष्य है। मनुष्य स्वयं अपने काम कर्मों के वशीभूत होकर के गलत काम करता है, गलत काम करने के बाद में पुराणों का रेफरेंस देकर के कहता है कि कलयुग के वजह से हो रहा है। अरे कलयुग में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो इससे बचे हुए हैं, करते नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। तो समाज को किसने बनाया? हमने बनाया। समाज को कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। और बोलते हैं कि समाज के वजह से यह सब हो रहा है, और बनाने वाले आप, चलाने वाले आप, और कहते हैं कि समाज में ऐसा हो। जैसे हम सरकार बना करके राज्य चलाने के लिए भेज देते हैं, अब इस समय सरकार बनाने वाले कौन है? हम ही हैं। अब सरकार में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उनको भेजा हमने है, चलाना हमारे लिए चलाना है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। और उनको वहां भेजने के बाद में अरे वो ऐसा करता है वैसा करता है बोलने से क्या फायदा? ये आपका ही निर्माण किया हुआ। इसलिए कलयुग कलयुग कुछ होता नहीं है, कलयुग के अस्तित्व अलग से आप मान नहीं सकते। ये नहीं कह रहा हूं कि कलयुग को मानना ही नहीं है, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन कलयुग होता क्या है या कोई भी युग होता क्या है, और उसका वर्णन आप देखेंगे ना, उसमें पूरा मनुष्य के बारे में वर्णन मिलेगा कि मनुष्य ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भागवत में देखिए, पुराणों में देखिए, देवी भागवत में देखिए, सब जगह यही लिखा है कि मनुष्य को ऐसे ऐसे हो जाएगा, मनुष्य गलत काम करेंगे ये सब हो जाएगा, ऐसा लिखा है। वो क्या है कि मन में परिवर्तन होगा, वो वेद से वेद शास्त्र संबंधी ज्ञान से दूर होते जाएगा, जैसा दूर होते जाएगा वो विषयों में आसक्त होगा, और विषयों को प्राप्त करने के लिए वो नास्तिक बन जाएगा। फिर वेद को एक तरफ मानेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन दूसरे तरफ गलत काम करेंगे, भगवत गीता हाथ में रखते हैं और झूठ बोल करके धंधा चलाते हैं, ऐसा होगा। इसी को कलयुग कहते हैं। इसलिए इससे बाहर कुछ भी नहीं, हमारे ही अंदर कुछ है, तो जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है। ये जो वेद निर्मित वाणी है
ये तीनों काल से, चारों काल से अतीत है। काल का दोष वेद में नहीं आता, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा, ये वेद तो काल को देखता ही नहीं, वो तो तत्व को देखता है, और तत्व तो एक है, जैसा सूर्य चंद्र आदि एक है, वैसे के वैसे हैं, ऐसा ही तत्व एक ही होता है, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिणाम के द्वारा परिवर्तन होना एक अलग है, वो मैनिफेस्टेशन का जो थियरी है उसी के अनुसार उसका क्रम परिवर्तन होता है, वो अलग चीज है, वो आप युग कलयुग मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध दही हो जाता है, दूध दही सत्ययुग में नहीं होता था क्या? सत्ययुग में भी दूध रखते रहेंगे दही हो जाता था, अभी भी दूध रखते हैं तो दही हो जाता, अब उसमें कोई अंदर नहीं है, यह परिणाम है, स्वाभाविक होता है। शरीर जन्म लेता है और बाद में परिवर्तन हो जाता है, ये शरीर का स्वभाव है। ऐसे जो स्वाभाविक परिवर्तन है वो भी समान है, तो क्या सत्य क्या है? सत्य तो तत्व है, जो रियलिटी हम जिसको कहते हैं वही तथ्य है, सत्य है, और उसके संबंध में वेद कहता है। इसलिए वेद को अमृत वचन ऐसा कहा, अमृत माने मरता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, नित्य वचन, ऐसे वेद का वचन। वाघ भी सुर गुरु और विस्मय पतम, ऐसे वेद के वचन करने वाले जो सुर गुरु है, देवताओं के गुरु, गुरु शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो गुरु है हम जिसको गुरुदेव बुलाते हैं, दूसरा अर्थ श्रेष्ठ ऐसा भी होता है। यहाँ देवगुरु शब्द का प्रयोग किया, देवगुरु तो वैसे बृहस्पति प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ ब्रह्मा जी को ही बोल रहे हैं, क्योंकि वेद का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, तो सुर गुरु जो ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी भी आपके स्तुति, ब्रह्म की स्तुति पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, उनको भी आपको स्तुति करके विस्मय में नहीं ला सकते हैं, ऐसे सुंदर स्तुति की जो आप आश्चर्यचकित होगे, ऐसा ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो ममत्व एदाम वाणी, फिर मेरी ये वाणी की क्या कहना, गुण कथन पुण्येन भवतः, फिर तो मैं ये अपने अल्पवाणी से आपके गुणगान करते हुए, गुण कथन पुण्येन, गुण कथन से पुण्य होगा, जैसा पुण्य कहते हैं, ये पुण्य क्या होता है, पुण्य भी ऐसा ही होता है, हम पुण्य कहते हैं, हमारे शास्त्र में कहा पुण्य का क्या लक्षण है, बोले कि पुण्य होने पर सुख होता है और मन में शांति रहती है, ये दो लक्षण पुण्य का है, आपके पास पुण्य है इसका ये लक्षण है, सुख होता है और शांति होती है। अब वो सुख शांति मन में होता है, और मन यदि शांत है तो आपको आनंद ही आनंद होता है, यदि मन शांत नहीं है, आपके पास धन है, अन्य सब संपत्तियां हैं, परिवार है, सुख है, सब साधन है, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वो पुण्य है कि पाप है? पुण्य नहीं हो सकता, वो पाप का फल होता है। जो सुख का साधन आपको प्राप्त हो रहे हैं वो पुण्य के कारण ही हो रहा, लेकिन वो आने पर आपको दुख होता है, इसका मतलब उसमें कुछ पाप भी है। धन बहुत कुछ है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, खाने के सारे वस्तुएं पड़ी है, खा नहीं सकते हैं, भूख नहीं लगती है, पेट खराब हो जाता है, रोग आ गया, सब कुछ है, खा नहीं सकते, तो क्या फायदा है ना? तो ये पुण्य का नहीं होता है। तो पुण्य होने पर आप सुख भोग कर सकते हैं और मन शांत रहता है, और आपके मित्र बंधु आदि सब अच्छे व्यवहार करेंगे, आपका मन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था में शांत रहेंगे, ये पुण्य का फल है। तो ऐसा पुण्य प्राप्त होने के लिए मन को सात्विक बनाना पड़ेगा, सात्विक बनाने के लिए साधन करना पड़ेगा, सभी प्रकार के साधन अपनाना पड़ेगा। इसलिए
पुष्पदंत आचार्य कहते हैं आपके गुणगान करने से मुझे पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य से मैं अपने को पवित्र करूंगा। पुनामिति अस्मिन् बुद्धिर्व्यवस्थिता, मैं अपने को पवित्र करूंगा इस उद्देश्य से मैं अस्मिन् इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं। क्या कार्य है? यहां स्तुति करने का कार्य चल रहा है कि मैं इसलिए अपने बुद्धि को इसमें लगाया हूं। बुद्धिर्व्यवस्थिता, मेरी बुद्धि इसलिए इसमें प्रवृत्त हुई है क्योंकि मैं भगवान का गुणगान करूंगा तो मेरे मन पवित्र होगा, पवित्र होने पर शांति सुख प्राप्त होगा, इसलिए मैं इसमें प्रवृत्त हुआ। अभी हमने कहा वेद के संबंध में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि वेद में जो कुछ कहा है वो सब सत्य कैसे हो सकता है, और वो तर्क देते हैं ये विज्ञान के द्वारा प्रस्थापित नहीं हुआ है। यानी वेद में जो कुछ कहा विज्ञान ने उसको स्थापित नहीं किया, विज्ञान ने उसको सिद्ध नहीं किया, इसलिए ये सत्य नहीं हो सकता। और कई लोगों का यह तर्क होता है यदि भगवान है तो आप दिखाओ, क्यों जो होता है हम देखते हैं जानते हैं, अब भगवान है तो दिखाओ बोल दिया, यदि नहीं दिखता है तो भगवान नहीं, ऐसे कई लोगों का तर्क होता है। आपको कोई पूछे भगवान है तो दिखाओ बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ दिखाएंगे? नहीं, सबसे सरल तरीका मैं बोलता हूं, कोई पूछेगा भगवान है क्या दिखाओ बोलने से, सबसे सरल तरीका ना पास वाले आदमी को दिखा दो, जो पास में बैठा भगवान कौन है ये है, तो वो क्या आपको दिखाएगा ये भी भगवान है। अब वो पूछने वाले को बोलो आप सिद्ध करो ये भगवान नहीं है, तो ये भगवान नहीं है भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए कि वेद जो कहता है वो सब लौकिक बातों को लेके नहीं कहता है, और बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते, हमको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन काम होता है, दिखाई नहीं पड़ता है काम होता है। आजकल आपको तो पता है कोरोना फैला है, तो कोरोना को किसी ने देखा है क्या? देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा, कोरोना देख नहीं सकते, वो दृश्य नहीं है, लेकिन वो आता है अटा करता है आदमी को, खत्म करता है, जाता है, इतने सारे पूरे दुनिया में हल्ला मचा दिया, और वो अदृश्यमान शत्रु है, उसको पकड़ करके मार नहीं सकते। और जो बचना चाहते हैं वो तो इतना सब क्या क्या पहन करके सब वो बचने के लिए कोशिश करते हैं, तब भी वो अंदर घुस जाता है, उसको तो घुसने के लिए कहीं भी जगह होती। ऐसे तत्व है जो दिखता नहीं है काम करता है। अब हमारे ईश्वर भी ऐसा है, दिखता नहीं है, देख नहीं सकते उसको, और काम करते रहता है, निरंतर काम होते, चारों तरफ जो काम हो रहा है उसी का ही तो हो रहा है। इसीलिए अब यहां पुष्पदंत आचार्य उसी के और हमारे ध्यान खींच रहे हैं। कई लोग भगवान के ना होने की बात कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये ठीक है कि नहीं है? वेद कहता है इसलिए मानते हैं, ऐसा नहीं कि वेद को जो नहीं मानते, अब नास्तिक तो वेद को नहीं मानते हैं, तो उनके विषय में कहते हैं ये श्लोक भी शिवपुराण के वायवीय संहिता है, शिवपुराण में उसका 36वां अध्याय है, उस अध्याय के ये विषय है। तवैश्वर्यम यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलय कृत् त्रये वस्तु व्यस्तम त्रसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीं याम रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधदैहैके जडधियः। हे वरता, वर देने वाले को वरद कहते, जो आप पूछते हैं वो दे देते, वरम ददादीति वरदः। देखिए
हे भरत जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, जगत को उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाले और प्रलय करने वाले, जगत उदय रक्षा प्रलय कृत। संस्कृत भाषा में ऐसा हो सकता है, दो चार दस पंद्रह सारे मिलाकर के एक शब्द बना सकते, उसमें बहुत कुछ रहेगा, एक शब्द में बहुत कुछ कह सकते। तो यहां एक शब्द कहा, जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, एक शब्द है, लेकिन उसमें जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों को बता दिया, तीनों को करने वाले जो आप हैं। तव ऐश्वर्यम, ये आपकी विशेष शक्ति है। जगत की उत्पत्ति एक सामान्य काम नहीं है, एक विशेष शक्ति है। कैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, आपने कभी सोचा कैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है? कितने आश्चर्य की बात है, कितने अद्भुत बात है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के पानी बन जाता है, क्या आश्चर्य की बात है, कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गैस है, दोनों वायु है, और वायु है वो देख नहीं सकता, अब उसको पी भी नहीं सकता, लेकिन वो किसी अवस्था में जल बन जाने पर उसका आकार भी होता है और वो पी सकते हैं, और वायु से अतिरिक्त काम होता है, कुछ और ही बन जाता। तो वायु तो अदृश्य है ना, वायु को तो देख नहीं सकते, लेकिन जल दृश्य होता है। तो अदृश्य से जो दिखाई नहीं देता उसी से दृश्य बनता है, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने साइंटिफिक एग्जाम्पल है, यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि उसी से बना हुआ है, हमने पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, ऐसा कहा। तो यह कितना बड़ा आश्चर्य है, ये भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान की लीला है। और बीज छोटा सा बीज होता है, ये पीपल का पेड़ का बीज आपने देखा, पीपल का पेड़ का, और वो एक तो फल होता है, वो फल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो आपके हाथ से उठाना भी नहीं आता, इतना छोटा होता है, और उससे कितना बड़ा बन जाता है। अब देखिए क्या आश्चर्य, मैंने ये जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रहे हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी करके है, आप लोग सुने होंगे, नैनो टेक्नोलॉजी सबसे छोटे छोटे चीजों को बनाते हैं। अब भगवान के पास भी नैनो टेक्नोलॉजी था, तभी तो उन्होंने इतना छोटा बीज बनाया वो सबके लिए, इतना बड़ा पेड़ के लिए, और उसके बीज संवरण भी अलग प्रकार से करते। अब ये छोटे छोटे बीज को कौन निकाल करके कहाँ डालेंगे, कहाँ पेड़ लगाएंगे, वो भगवान अपने आप व्यवस्था करते। उसमें ऐसी व्यवस्था है, वो पेड़ के जो फल है ना, वो फल को पक्षियां खाएंगे, अब पक्षियां जहां भी जाएंगे वहां अपने विष्ठा डाल देंगे, और विष्ठा के द्वारा वो बीज वहां पड़ जाएगा, और फिर वहां जमीन में पड़ते ही वो पेड़ बन जाएगा। और प्रकार से आप पेड़ को नहीं फैला सकते। और ये भी है कि पीपल का पेड़ को कभी भी सीधा बीज से नहीं बना सकते आप। पीपल का पेड़ का बीज जो प्राकृतिक रूप से पक्षी खा करके पक्षी के विष्ठा के द्वारा ही आना चाहिए, तब वो पेड़ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब क्या व्यवस्था है, देखिए ये कोई ऐसे व्यक्ति कर सकता है क्या? इसलिए क्या है कि आप देखा होगा जो पीपल का पेड़ जहां है ना, उसके नीचे बहुत सारे फल गिरा होता है, वो कोई भी पेड़ नहीं बनता है। वो पेड़ बनेगा दूर दूर जा करके, आपके घर के ऊपर भी पेड़ बना हुआ होगा, घर के जो है छेद है तो उसमें भी पेड़ बनेगा। अब बड़ोदरा में जाने से तो पूरा मकान में पेड़ ही पेड़ दिखता है, बट का वृक्ष दिखाई देता। अब क्यों, कैसे पहुंचता है वहां? और वहां कोई ना पानी है, ना मिट्टी है, ना कुछ है, लेकिन पहुंच जाता है और बन जाता है, और इतना बड़ा बन जाता है कि वो मकान को ही तोड़ देता है और सब खत्म कर देता है। तो ये कौन बनाता है ये सब? और क्या एक पीपल का पेड़ को इतनी बुद्धि है
इतना ज्ञान है कि वो सारा सोच समझ करके छोटा बीज बनाए, फिर उसमें फल बनाए, फिर सोच समझ करके उसको पक्षी को खिलाए, फिर उसको दूसरे जगह भिजवा दे, कोरियर के जैसा हम भेजते हैं वैसे दूसरे जगह भिजवा दे, ऐसा संभव है क्या? पीपल के पास ऐसी व्यवस्था नहीं, हम इतने बुद्धि तो नहीं मान सकते। ये कोई बुद्धिमान ने प्रोग्राम करके उसके अंदर रखा है और वो उसी प्रकार चलता रहता है। ये जो बुद्धिमान और सर्वज्ञ है वो भगवान ही है, भगवान का ऐश्वर्य है। अब भगवान को नहीं माने तो फिर क्या माने? आप इसका उत्तर दे दो, ये कैसा होता है? आपको एक घर बनाने के लिए इतना कुछ प्लान करना पड़ता है, इतने कुछ इंजीनियरिंग देखनी पड़ती है और इतना पैसा कमाना पड़ता है और एक एक ईंट को रखने में आपको कितनी तकलीफ होती है, और भगवान ने इतने बड़े बड़े पहाड़ तैयार कर दिए और इतने कुछ सब कुछ बनाया और उसमें पेड़ पौधे बनाए, छोटे छोटे पौधे बनाए, और उसमें सारे में ये ज्ञान रखा कि वो अपने परिवार को बढ़ा सकता है। जैसे आपके अंदर अपने परिवार बढ़ाने के ज्ञान है ना, कमाने का, खिलाने का, वो घर बनाने का सब ज्ञान है, वैसा एक एक पक्षी को दिया हो। पक्षियाँ कितने सुंदर घोंसलाएँ बनाती हैं, ये इंजीनियरिंग किसने सिखाया? आपने देखा होगा एक जो है धागा ऊपर बांधते हैं और बहुत बड़ा नीचे बना देते, आजकल का कोई इंजीनियरिंग नहीं बना सकता। और उसका वेट, मतलब इंजीनियरिंग के हिसाब से वेट बराबर होना चाहिए, ज़्यादा वेट हो गया तो नीचे गिर जाएंगे, और वेट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, कहाँ से हवा आएगा, कहाँ से हवा जाएंगे, एयर कंडीशन कैसे करना है, ये सारे कुछ जन्मजात उनको होता है। और आजकल ये चींटियों के बारे में भी रिसर्च करके उन्होंने बताया, अरे चींटियाँ तो अद्भुत काम करती, वो कैसे बनाते हैं, नीचे देखते हैं तो वहाँ पूरा एयर कंडीशन सिस्टम है अंदर, बाहर के हवा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जाना है, और कोई शत्रु आ गया तो कहाँ से बचना है, कोई अंदर घुस के आ गया खाने के लिए तो उसके लिए क्या बोलते हैं वो सुरंग भी बना के रखते हैं, सारी व्यवस्था है। और एक मंजिल नहीं, कई मंजिल बनाते हैं, जो बाहर आपको ऐसा दिखाई देता है अंदर खोलेंगे तो उसमें कई मंजिलें मिलेंगी। तो चींटियों को किसने, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, किसने पढ़ाया? तो इतना देख करके नहीं लगता है कि कोई ऐसा है जो सबको चला रहा है। अब वो चींटी के बुद्धि को चला सकता है तो आपके बुद्धि को नहीं चला सकते, और चींटी को सब व्यवस्था दे सकता है तो आपको नहीं दे सकते क्या? तो आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। इसलिए तव ऐश्वर्यम, भगवान के ऐश्वर्य से ही, भगवान की जो ज्ञान ऐश्वर्य संपत्ति है उसी के द्वारा ये सब कुछ बना हुआ। ऐसा आप चिंतन करते जाओ, आपके अंदर भगवान का दर्शन होते जाएगा और भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यही तो ब्रह्मात्म दर्शन है। त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण भिन्ना सुतनुषु, तीनों वेद में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया। तीनों वेदों का प्रतिपाद्य वस्तु आप ही है, 18 पुराणों का प्रतिपाद्य वस्तु आप ही है, 18 उपपुराणों का प्रतिपाद्य वस्तु आप ही है, 56 स्मृतियां हैं उसमें भी आपकी ही के गुणगान होते हैं, सारे शास्त्र आपके बारे में कहते हैं, सारे ऋषि आपके बारे में कहते हैं, क्योंकि आपकी ही लीलाएं उनको बाहर दिखाई देती। आप बाहर देखो, अंदर देखो, कहीं भी देखो, लीला ही लीला। अपने शरीर को देखो, अपने शरीर को कौन चला रहा है? क्या आप चला रहे? क्या आप चला रहे करके आप सोच रहे हैं? आप तो खाली स्नान करके पाउडर पाउडर मेकअप वेकअप लगा देते हैं और बस थोड़ा बहुत खाना बीच बीच में डाल देते हैं, बस यही आप करते हैं। बाकी ये खाना अंदर जाने के बाद में वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये कुछ भी आप नहीं जानते। और रोग कहाँ से आता है ये भी नहीं जानते, और जो आने वाला रोग को कैसे बाहर निकाल देता है ये भी आपको पता नहीं। आपको कुछ भी पता नहीं, आपको खाली इतना पता है हम खा रहे हैं, अच्छा स्वाद है, इधर से नीचे गया, गले के नीचे उतरने के बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर जब सुबह शौच जाते हैं तब पता चलता है कि कुछ और खाया था, कुछ और बाहर जा रहा है, बीच में क्या प्रक्रिया हो गई। केवल इतने को आप देखो तो आपको मानना पड़ेगा कि आपसे भी कोई और जानकार बुद्धिमान अंदर बैठा हो।
आप अपने शरीर को जलाते हैं, लेकिन शरीर में कोई रोग आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों? कि जब आप अपने शरीर के मालिक हैं, जैसे आप अपने घर के मालिक हैं, घर में कुछ भी होता है तो आपको पता चलता है कि ये सब है, तो आप अपने शरीर के मालिक हैं तो आपको स्वयं को डॉक्टर होना चाहिए था ना। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके क्या निवारण होगा, कुछ भी पता नहीं। सिर दर्द आ गया तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बारे स्कैनिंग वानिंग वो सब करते हैं, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 1 लाख रुपये खर्च करके वापस आते हैं तो बोलता है इलाज हो गया, हुआ कुछ नहीं है। वो जो कंपनी खोल के बैठे हैं ना, वो कमा देते, वो कमाने के लिए होता है, और कुछ होता है और कुछ बता देते हैं। और टेस्ट होने के बाद में कुछ निकला नहीं तो कौन दोषी है? बोले कि हम क्या कर सकते, हमने टेस्ट किया, अब कुछ निकला नहीं तो आपका अच्छा है, पैसा तो देना पड़ेगा। अब निकला तो भी, नहीं निकला तो भी देना पड़ेगा। ये इसीलिए कि आपके जो शरीर है ना, आपके शरीर को आप नहीं जानते हैं, ये भी भगवान ने व्यवस्था बनाई हुई है। क्यों? डॉक्टर होंगे अपने काम चलाने के। यदि आपके शरीर की व्यवस्था पूरी आप ही जानते होते तब तो डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं। तो अभी ऐसे भी हमारे भारत में बोलते हैं नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, तो अभी ये जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके भी बेरोजगारी होता है, तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो ये लोग तो कम से कम कुछ रोजगार कमाएं, ऐसे करके उनको रखा है, बाकी तो होता कुछ नहीं। अब जब कोरोना आ गया तो सब हाथ ऊपर खड़े कर, क्या कर सकते हैं, वो उनके वश में है, उन्होंने उसके बारे में अध्ययन ही नहीं किया, पता ही नहीं चल रहा है, आज तक पता नहीं चला है। हम तो दवाई तो बहुत दे रहे हैं लेकिन किसी को पक्का पता नहीं ये कैसा आता है, कैसे काम करता है, कैसे जाता है, कैसे रूप बदलता है, कुछ पता नहीं। और जितने को हॉस्पिटल में एडमिट किया है ना, सब ऊपर चले गए, और जिन्होंने जो हॉस्पिटल नहीं गया वो घर में बैठ करके काढ़ा कोड़ा पी करके जो भी सुरक्षित रहा, वो बहुत सारे बच गए। तो उसका मतलब है कुछ इसमें रहस्य, तो इधर भी है उधर भी है, ऐसा चल रहा। इसलिए ये भी भगवान ने सृष्टि के अंदर ऐसा रखा है, बहुत सारे अज्ञान रखा कि जिससे कि दूसरे का काम भी उसमें हो जाए, ऐसा रखा। ये व्यवस्था है ना, जो व्यवस्था में ये सब रखना पड़ता है, भेद रखना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ त्रयी वस्तु तीनों गुणों से बना हुआ, सारे प्रतिपाद्य जितने भी है अंदर बाहर सब है, वो भी आपका स्वरूप है, और तीन गुणों का भेद से ये सारा बनाया तो अलग अलग दिखता है। तीन गुण तो सर्वत्र है, मनुष्यों में भी है, देवताओं में भी है, और राक्षसों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, ग्रहों में है, सब जगह तीन गुण का भेद है। तो गुणों के द्वारा बनाया, अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम अरमणीम, ये जिनका भाग्य ठीक नहीं है, अभव्य है, इनका कोई भविष्य नहीं, ये अपने शरीर से बाहर विषयों से आगे सोचते नहीं है, ऐसे जो जड़धि है, मंदबुद्धि है, नास्तिक है, ये ऐसे लोग ऐसे वाणियों को कह करके रमणीयाम व्याक्रोशीम विदधः, यह एक कुछ नास्तिक लोग ऐसे वाणी कहते हैं कि ये सब बनाने वाला कोई नहीं, इसको सब कौन बनाएगा, ये आगे पीछे सोचने की बात नहीं, जो आपको मिल रहा है उसी से अपने जीवन चलाओ, अपने आप कमाओ खाओ, दूसरे को दान देने की बात मत सोचो, क्यों दूसरे को क्यों देंगे, हम हमने हमने कमाया है तो हम खाएंगे, ऐसा नास्तिक बताते। अब वो कहते हैं कि ये मंदिर आदि जो बनाया ना भगवान के नाम से जो मंदिर बनाया, ये सब व्याक्रोशी है, बकवास है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो कमाना नहीं चाहते, वो खेतीबाती करके पसीना बहाना नहीं चाहते, चुपचाप पैसा कमा करके अपना जीवन चलाना चाहते, इसके लिए इन्होंने ये मंदिर बनाया और वेद की वाणी इसलिए बनाया, ऐसे करके नास्तिक लोगों ने अपने अपने पुस्तकों में लिखे हैं। और आपको लिखता है वो नास्तिक अभी कोई नया है, नया नहीं है, नास्तिक तो बहुत पुराना है, चार्वाक तो बहुत पुराने हैं, उनके सूत्र बने हुए हैं, शास्त्र बने हुए हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई। अब वो सुनने से आपको हंसी लगेगा, लगेगा तो ये तो पता नहीं, ये जितने बता रहे हैं सब नास्तिक अभी भी है,
वैसे का वैसे सारे विचार उनका वैसे ही। तो इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, व्याक्रोशी बोलते हैं, ऐसे बकवास करते हैं, ये हदप्रभ है, हदभाग्य लोग हैं, इनको आगे कुछ दिखता नहीं। और वास्तव में उनकी वाणी सुनने से आपको आपाद रमणीय लगेगी, बहुत सुंदर वाणी है, सही बोल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वो रमणीय नहीं है, अरमणीय है, उसका कोई फायदा नहीं। हमने ऐसे बहुत नास्तिकों को देखा, बाहर तो नास्तिक बोलते हैं, अंदर अपने कमरे में, अपने घर के अंदर, तिजोरी के अंदर भगवान को रख करके पूजा करते हैं। वो अंदर पूजा करते हैं, भगवान को करते हैं, और बाहर आकर के अरे हाँ भगवान कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सब बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नास्तिक हैं, क्योंकि डरते हैं, और उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम सब कुछ करने पर भी कुछ और हो जाता है, यदि सब कुछ हम कर पाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो भी अंदर से तो डरते हैं, और बहुत सारे लोग ज्योतिष से डरते हैं, नास्तिक कहते हैं, लेकिन सब कार्य के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, ऐसे करते। तो इसलिए ये सब ढोंग है, बाहर से ऐसा दिखाना है, सच्चाई में कुछ नहीं है, ऐसी वाणी ये बोलते हैं, रमणीयाम वाणी। वो वाणी सुन करके आप व्यामोह में ना पड़े, उनके वाणी सुन करके आप मोहित ना हो, सच्चाई वो है नहीं। उनके बुद्धि क्या है, जड़ धिया, विवेक नहीं है, वो शरीर से बाहर सोचते ही नहीं, बोलते ये शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक जिंदा है, उसके बाद सारा समाप्त, आगे कुछ भी नहीं है, ना पुनर्जन्म है, ना आगे कुछ है, ना कोई परलोक है। वो कहते हैं आप जो प्रातःकाल उठकर के देवताओं को नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, घी डालते हैं, अरे जो घी अच्छे तरह का बना करके खाने का है वो डाल करके सुबह सुबह वो अग्नि में डाल करके जला देते, कितना व्यर्थ है, ये घी बनने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, उसको देवता के नाम से डालते हैं और बोलते हैं ऊपर देवता को पहुंच जाता है। अब वो क्या बोलते हैं ना, बोलो आप ऊपर जो है ना छत के ऊपर किसी को खड़ा करना, छत के ऊपर खड़ा करके यहाँ खाना बना करके उनको खिलाना, यदि यहाँ खाना खिलाने से छत पे खड़े हुए व्यक्ति को यदि खाना पहुँचता है तब हम मान सकते हैं कि आप यहाँ आहुति देने से ऊपर देवलोक में पहुँचता है, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। सुनने में बड़ा तर्क लगता है, बात सही है, जब यहाँ के खाना ऊपर छत तक नहीं पहुँच सकता तो यहाँ से स्वर्ग कैसे पहुँचेगा। इसलिए रमणीय वाणी आपको लगेगी, लेकिन वो रमणीय नहीं है, इसलिए उनको चारुवाक कहा। बोलने में बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन मतलब कुछ नहीं होता, जैसे मजाक होता है, ये कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी आदि जो होते हैं, अब कॉमेडी तो सुनने से उस क्षण में आपको बहुत अच्छा लगे, अब हंसेंगे, बहुत अच्छा लगा, ये होता है, लेकिन कॉमेडी को फिर आगे कुछ करने का होता है क्या, उसका आगे पीछे कुछ नहीं होता है। जब सुनते हैं तो उस समय आपने सुना तो कॉमेडी अच्छी लगी, आपको हंसी आ गया, आप रिलैक्स हो गए, बस उतने से काम है, फिर उसके बाद उसमें युक्ति लगाओ, चिंतन करो, विचार करो, मनन करो, जब करो, कोई जरूरत नहीं, उससे समाप्त हो गया। ऐसे ही इनकी वाणी होती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई तथ्य नहीं निकलता है। इस प्रकार नास्तिकों को निंदा करते हुए चतुर्थ श्लोक में पुष्पदंत आचार्य भूमिका बना रहे हैं भगवान के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए। इसी श्लोक के साथ इस सत्र को यहीं रुकते हैं, आगे फिर देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः।